सो एपी वन मार्क्स क्वेश्चन बराबर, और इस बार जो हम करेंगे वो एपी के वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए, ठीक है। तो 2019 के अंदर एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। आप ये पता करो कि कितने टू डिजिट नंबर्स हैं, कितने टू डिजिट नंबर्स हैं जो थ्री से डिवाइड हो सकते हैं, जो डिविजिबल हो सकते हैं थ्री से। तो नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय थ्री। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना होता है कि क्या पूछ रहा है, टू डिजिट पूछ रहा है, वन डिजिट पूछ रहा है, थ्री डिजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है हमें, क्या पूछा है उसने, टू डिजिट नंबर्स। अब टू डिजिट नंबर्स हम फाइंड करते हैं, तो टू डिजिट नंबर जो थ्री से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले याद करो कि टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, बराबर है। और एंड कहाँ पर होगा, एंड 99 पे होगा, क्योंकि 10 से पहले 9 है ये 1 डिजिट है, और 99 के बाद 100 है वो 3 डिजिट है, तो ये हट गया। अब पता करो क्या 10 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर नहीं हो पाएगा। क्या 11 नहीं हो पाएगा, क्या 12 होल नंबर आना चाहिए, डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। 12 बाई 3 करो 4 आया, कितना आया 4, यस। तो 12 वो पहला नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, पहला टू डिजिट नंबर। अब दूसरा करो, तो पहला मिल गया तो दूसरा आसान है, उसमें और 3 ऐड कर दो, अरे 3 से कर रहे हैं ना, तो और 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 15। नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 24 एंड सो ऑन, कहाँ तक 99 लास्ट डिजिट ना, क्या 99 3 से डिवाइड होता है, देखो करके देखो 99 3 से डिवाइड, हाँ होता है ना, 99 कैन बी डिवाइड बाय 3। तो ये पहला थ्री डिजिट नंबर है, सॉरी टू डिजिट नंबर है जो थ्री से डिवाइड हो सकता है, और ये आखिरी टू डिजिट नंबर है जो थ्री से डिवाइड हो सकता है। ये आखिरी टू डिजिट नंबर भी है और थ्री से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसा फाइंड करना है, समझ में आया क्या। तो ये लास्ट डिजिट है जो थ्री से डिवाइड हो सकता है, टू डिजिट नंबर। तो ये मिल गया हमें सीरीज। अब पता करना है भाई कितने लोग हैं, ये कितने मेंबर्स हैं ऐसे, वो पता कर रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट एन बी नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय थ्री। तो ऐसा मान लेते कि ऐसा एन नंबर्स हैं, एन मेंबर्स हैं टू डिजिट नंबर के जो थ्री से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब ये सीरीज में वो इन द सीरीज, ये सीरीज में आपका ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 12 फर्स्ट, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, बराबर डिफरेंस के लिए ही है। तो डिफरेंस क्या है, वैसे भी पूछा है ऐसे डायरेक्टली डिवाइड बाय थ्री, तो वही डिफरेंस होगा, लेकिन फिलहाल तुम अपने मेथड से ही चलो। डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 15 माइनस 12 डेट इज 3, तो ये डिफरेंस मिल गया। एन ऐसे कितने नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करना है, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। अच्छा ये ए एन, ये सीरीज का लास्ट मेंबर कौन, 99, उसका वैल्यू है 99, समझ में आ रहा है। तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। Therefore 99 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 12 प्लस एन पता करना है माइनस 1 और डी कितना है 3। अब क्या करते हैं, ये 99 में से हमने 12 माइनस कर देना, तो 99 माइनस 12 कर लो और ये 3n माइनस 3, ठीक है। अब ये कितना आया देख लो, 99 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो पहले 9 माइनस कर दो, 90 और 3 87, तो ये 87 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, ये माइनस 3 इधर आया तो 87 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, ये दोनों मिलके 90 हो गए, 90 इक्वल्स टू 3n। तो अभी 90 को 3 से डिवाइड कर दो, तो n कितना हो गया 90 बाय 3, 3 वन सा 3 3 सा 0 30। तो बताओ कितने ऐसे टू डिजिट नंबर हैं, कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे 30 नंबर्स हैं, 12 से लेके 99 तक ऐसे 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यही हमें फाइंड करने बोला था और ये हमारा आंसर है। सो देर आर 30 थ्री डिजिट टू डिजिट नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, समझ में आया।
ओके 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था वन मार्क्स के लिए. इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस फोर, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे दिया है डी माइनस फोर एंड ए सेवन इज फोर बराबर, ए सेवन का वैल्यू कितना दे दिया है फोर दे दिया है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म बराबर. तो बड़ा सिंपल से सम है, तो सोल्यूशन में कैसा करेंगे हम लोग, जो दिया है उसी को यूज कर लेते हैं. क्या दिया है ए सेवन, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है ए सेवन कैसा होता है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ए सेवन क्या होगा ए प्लस सिक्स डी, अरे ए सेवन फाइंड करना है ना, तो क्या होगा ए प्लस सिक्स डी, एम आई राइट, देयर फोर दिस इज हाउ मच फोर, ए का वैल्यू फाइंड करना है प्लस डिफरेंस का वैल्यू दिया ना कॉमन डिफरेंस का कितना माइनस फोर, तो ये सिक्स इंटू माइनस फोर, तो देयर फोर फोर इक्वल्स टू ए और ये माइनस ट्वेंटी फोर, अभी माइनस ट्वेंटी फोर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 28 इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू कितना आया 28, तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है फर्स्ट टर्म वो है 28. तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक. ऑलराइट, तो 17 में 2017 में क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच ए 27 माइनस ए 7 इज 84 बराबर. तो ए 27 एक एपी दिया है उसका ए 27 माइनस उसका ए 7 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 84 मिलेगा. तो डिफरेंस बिटवीन द 21st टर्म एंड 7th टर्म इज 84, ये दिया है हमको. क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, करेक्ट. अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा सम है. तो सॉल्यूशन में ए 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस 20d, तो ए 21 को क्या लिख दिया ए प्लस 20d, माइनस का माइनस ब्रैकेट बन जाएगा इधर दो टर्म आएंगे ना, और ए 7 को ए प्लस 6d इज इक्वल टू 84, सही है. तो ए प्लस 20d और माइनस अंदर क्या, तो माइनस ए माइनस 6d इक्वल्स टू 84, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल और ये कितना हो गया 14d, 20d माइनस 6d 14d इक्वल्स टू 84, तो d इक्वल्स टू 84 अपॉन 14 दैट इज 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया. आया समझ में, है कि नहीं इजी सम, कॉपी करो. ओके, तो 2016 में ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है. तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें था कि फाइंड द नाइन्थ टर्म, हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी. समझ में आ रहा है, तो इसमें कैसा रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स पीछे से नौवा टर्म. समझ में आ रहा है, फ्रॉम द एंड बोला ना यहाँ पर, तो पीछे से नाइन्थ टर्म की बात हो रही है, पीछे से नाइन्थ टर्म की बात हो रही है. तो इसमें कि मैं क्या कहता हूँ, ऐसा कभी भी सम आएगा ना, तो आप क्या करो जो लास्ट वाला टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लो, ऐसा स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा जाएंगे हम लोग, तो लास्ट वाले टर्म को क्या मान लो फर्स्ट टर्म. समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ए क्या हो गया आपका 185, डिफरेंस नॉर्मल निकालो, डिफरेंस क्या होगा 9 माइनस 5 क्या होगा 4 होगा, लेकिन अगर उल्टा सोचो अभी पीछे से कर रहे हैं ना, तो ये डिफरेंस का जो भी साइन आ रहा है वो साइन का आप उल्टा कर दो, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 9 माइनस 5 4, तो उधर से कैसा होगा माइनस 4. समझ में, तो डिफरेंस यहीं से निकालो, लेकिन क्या करने का है, जो साइन मिला है तुम्हें उसका उल्टा कर दो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा ये माइनस 4 हो जाएगा. या क्या समझ, ऑल राइट. अब जब ऐसे चलेंगे हम लोग कोई बात नहीं, लास्ट टर्म भी है अपने पास लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे ए नाइन, ए नाइन क्या होगा, ए नाइन होगा ए प्लस ए डी, अरे ये होगा ना ए नाइन ए प्लस ए डी, तो ए नाइन ए कितना है 185 प्लस 8 का 8 है और d कितना है माइनस 4,
तो ये 185 माइनस 32 और ये कितना 153 हो जाएगा। तो A9 जो है पीछे से, A9 पीछे से इज 153, समझ में आ गया। तो 2015 का एक क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, वो क्या कहता था, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। तो ये एपी दिया है और इस एपी का हमें 25th टर्म फाइंड करना है, बराबर। तो ये एपी में ए क्या है, माइनस 5, डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डिफरेंस को फाइंड करना और आसान हो जाएगा अगर मैंने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दिया, तो मतलब तो मुझे तो ईजियर मेथड ढूंढना है सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैंने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दिया तो थर्ड टर्म तो जीरो है, तो और आसान हो जाएगा, तो मैं उसको यूज करता हूँ, थर्ड टर्म जीरो माइनस सेकेंड टर्म, जीरो माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 5/2, दैट इज जीरो माइनस ऑफ माइनस प्लस 5/2 एंड दैट इज 5/2। तो ये मिल गया मुझे फर्स्ट टर्म, ये मिल गया मुझे डिफरेंस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 25th टर्म A25। तो A25 क्या होगा, A25 होगा A प्लस 24D। A25 क्या होगा, A प्लस 24D। A का वैल्यू कितना है, माइनस 5, माइनस 5 प्लस 24 इंटू डिफरेंस कितना है, 5/2। तो ये हो गया 5/2, ये 2 ones are 2 12, माइनस 5 इसका माइनस 5 और ये 12 5 60, कितना आ गया 55। तो A25 का वैल्यू कितना आ गया, तो 25th टर्म इज नथिंग बट 55। ओके, तो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2013 में, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी 3 digits नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, 2 digit नंबर्स डिविजिबल बाय आवर 3। अब यहाँ पर 3 digit नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 digit नेचुरल नंबर। तो 3 digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, बराबर है, करेक्ट। अब 3 digit नंबर 100 स्टार्ट होगा, तो क्या 100 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, बराबर, पॉइंट में नहीं चाहिए हमें। तो नहीं, ये नहीं होगा, 101 डिवाइड बाय 7 करके देखो, नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 अपॉन 7 डिवाइड करोगे तो यस ये होगा। तो पहला नंबर जो है वो है 105 ये सीरीज में, जो 7 से डिवाइड होगा, 3 digit नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। अब दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड किया कितना, 112। तो ऐसे चलते 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 चलते, बराबर। अब लास्ट 3 digit नंबर कितना है, 999। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता है, तो इसके पहले आ जाओ 998, 998 भी नहीं होता है, 997, 997 भी नहीं होता है, 996, 996 भी नहीं होता है, 995, 995 भी नहीं होता है, 994, यस 994। तो 994 इज द लास्ट 3 digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, बराबर। वो आखिरी 3 digit नंबर नहीं है ना, 3 digit नंबर आखिरी 999 है, पर 999 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो वो आखिरी वाला नंबर जो 3 digit है और 7 से भी डिवाइड है वो 994 है। तो ये हमने सीरीज बना लिया, ये हमारे काम का जो सीरीज है वो हमने बना लिया, जिसका ए का वैल्यू कितना है, 105, और डिफरेंस का वैल्यू कितना है, तो 7, 7 डिफरेंस है। और ए एन कितना होगा, लास्ट टर्म ऑफ दिस इज 994। क्या फाइंड करना है, कितने ऐसे नंबर्स है, कितने ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी एन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल्स टू ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। तो 994 इक्वल्स टू 105
प्लस 7n माइनस 7, तो 994 इक्वल्स टू 105 और माइनस 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा 98 प्लस 7n, 994 माइनस 98 इक्वल्स टू 7n, तो 994 माइनस 98 कर दो कितना आ जाएगा 896 इक्वल्स टू 7n, और बाद में देयरफॉर 7n इक्वल्स टू 896, देयरफॉर n इक्वल्स टू 896 अपॉन 7, अब ये डिवाइड करो तो n कितना आ जाएगा 128, तो ऐसे 128 नंबर्स हैं, ऐसे 128 थ्री डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, कितने हैं 128 थ्री डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है।